हेलो दोस्त, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। आज फिर मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि हमने कहा था कि 6 वीडियो के माध्यम से लगभग आपके पूरे इतिहास का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया जाएगा। एक मैंने कहा था कि उत्तर भारत के जितने भी वंशालियाँ हैं और उसके अंतर्गत आने वाले जो भी शासक हैं उनका अध्ययन करेंगे हम। और दूसरी बात मैंने ये कहा था कि दक्षिण भारत के संबंधित जितने भी वंशालियाँ हैं और उनसे संबंधित जितने भी शासक हैं हम उनका अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि हमने उत्तर भारत के वंश के संदर्भ में देखा था, शुरू से लेकर अंत तक, प्राचीन इतिहास से लेकर मध्यकालीन इतिहास तक हमने तमाम प्रकार के उन वंशों एवं शासकों का अध्ययन किया था। आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं पूर्व मध्यकाल के दक्षिण भारत के वंश एवं उससे संबंधित शासक। और ख़ास तौर ये कौन सा पार्ट है मित्र? ये पार्ट है पूर्व मध्यकालीन इतिहास का। जी हाँ, पूर्व मध्यकालीन इतिहास के दक्षिण भारत वंश के जो वंश हैं और उनसे संबंधित जो शासक हैं हम उसकी चर्चा करेंगे, ठीक है। अगर आप सोचते होंगे कि इसके पहले वाला पार्ट हम छोड़ रहे हैं, यानी कि दक्षिण भारत के वंश जो प्राचीन इतिहास में उसका अध्ययन हम नहीं कर रहे हैं पहले, तो देखिए मित्र, ये जो पूर्व मध्यकाल का जो वंशालियाँ ये काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन की स्थिति है। बाद में हम आपको प्राचीन इतिहास के संदर्भ में दक्षिण भारत में जो महापाषाण काल है उसको मैंने पढ़ाया था, फिर भी हम उसकी चर्चा करेंगे। महापाषाण काल से होते हुए हम संगम काल में आएंगे और संगम काल से होते हुए हम सातवाहन पे आएंगे और सातवाहन के बाद हम वाकाटक वंश के बारे में बात करेंगे। फिर वाकाटक के बाद जो दक्षिण भारत में वंशालियाँ प्रारंभ होती हैं वह एक तरीके से पूर्व मध्यकाल का इतिहास कहलाती है। हालांकि इसमें जो पूर्व मध्यकाल इतिहास के संदर्भ में जितने भी वंश हैं इनका संबंध कहीं ना कहीं प्राचीन इतिहास से ही जुड़ा हुआ है, लेकिन इनकी प्रासंगिकता, जो वंश की ज़्यादातर जो प्रासंगिकता दिखाई देती है मित्र, वह ज़्यादातर पूर्व मध्यकाल के इतिहास में दिखाई देती है। और ये जिस समय वंश रहता है ये प्राचीन इतिहास में जो रहता है ये एक तरीके से कह सकते हैं सामंत के रूप में रहते हैं, सामंत के रूप में रहते हैं, इनकी प्रासंगिकता उतनी नहीं दिखाई देती है, दिखाई कर देती है पूर्व मध्यकाल के इतिहास में। इसलिए हम इस टॉपिक को दक्षिण भारत के महत्वपूर्ण वंशालियों के संदर्भ में पूर्व मध्यकाल से संबंधित जितने भी वंश हैं और जितने भी शासक हैं उनको मैंने यहाँ पर लिखा है। तो आज हम आपको यहाँ पर ये बताने वाले हैं कि आखिर में दक्षिण भारत में पूर्व मध्यकाल के समय कौन कौन से महत्वपूर्ण वंश थे और महत्वपूर्ण कौन कौन से शासक हैं। यहाँ वंशों को तो मैंने लिखा ही है और साथ साथ मैंने सारे शासकों के भी लिखा है, लेकिन जितने भी मैंने यहाँ पे शासक लिखे हुए हैं उन सारे शासकों की तो हम चर्चा नहीं करेंगे। यहाँ पर हम कुछ विशेष शासक की चर्चा करेंगे, उस विशेष शासक की चर्चा करेंगे जिनकी महत्ता इतिहास में बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर मैंने आपको इसलिए शासकों का क्रम बता दिया है ताकि आपका अंदर थोड़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और साथ ही साथ कभी कभी जो इस समय ट्रेंड चल रहा है कि किसी भी वंश के निम्न प्रकार के शासकों को दे दिया जाता है और उन शासकों का सही क्रम बताना पड़ता है, उसको ध्यान में रखते हुए भी हमने सारे शासकों को यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। और ख़ास तौर जो बच्चे नेट की तैयारी करते हैं उन बच्चों के लिए भी ये अलग अलग जगहों पे सारे शासकों के नाम मिलेंगे, अलग अलग जगहों पे किताबों के वंशों के नाम मिलेंगे। उन सारे चीज़ों को मैंने एक जगह इकट्ठा कर दिया है ताकि आपको बहुत ज़्यादा परिश्रम न लगे ढूंढने में और नोट्स बनाने में। तो आप इन सारे शासकों को नोट कर लीजिएगा और साथ ही साथ किस कौन सा शासक किस वंश के अंतर्गत आता है उसको भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और ये एक प्रकार के ऐसा चैप्टर है या एक ऐसा टॉपिक है मित्र, जो विभिन्न प्रकार के क्लासों में इसको न तो डिटेल से पढ़ाया जाता है, इसको बस छोड़कर लोग आगे बढ़ जाते हैं। आप ज़रा सोचिए कि 400 वर्षों का इतिहास अगर आप बीच में छोड़ के जा पाओगे तो क्या पीछे और आगे के इतिहास को अच्छी तरीके से समझ पाओगे? नहीं समझ पाओगे। क्यों? क्योंकि आप जानते हो इतिहास की परिभाषा में कि इतिहास उसे कहते हैं जब किसी भी घटनाओं को क्रमबद्ध अध्ययन रूप से अध्ययन किया जाता है, क्रमबद्ध तरीके से एवं व्यवस्थित तरीके
से अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। तो हम बताइए कैसे इस महत्वपूर्ण टॉपिक को छोड़ देंगे। हम इसको इसलिए पढ़ाएंगे ताकि आपको इसके आगे की भी टॉपिक समझ में आए और इसके पीछे की भी टॉपिक समझ में आए और आपस में इन लोगों का क्या लिंक है वो भी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। ठीक है मित्र, एक बात। दूसरी बात ये है कि देखिए, ध्यान से सुनिएगा, इस चैप्टर को पढ़ाते समय आप बहुत ही बारीकी तरीके से, बहुत ही ध्यान तरीके से, ध्यान लगाकर इस चीज़ को सुनने का प्रयास करिएगा। क्यों? क्योंकि मैं आपको बार बार कहता हूँ कि ये एक ऐसा पार्ट है इतिहास का कि जल्दी किसी के दिमाग के पल्ले नहीं पड़ता है, इसलिए आप इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से सुनने का प्रयास करिएगा, बहुत ही ध्यान सुनने का प्रयास करिएगा। अगर आप सोचते हैं कि नहीं, ये हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप ये मान लीजिए ये आपकी बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि एक क्वेश्चन ही आपको क्वालिफाई करने के लिए काफ़ी बड़ा योगदान करता है। दूसरी चीज़ ये कि नंबर की मार नहीं होती है, मार ये होती है कि मेरी रुचि कैसे उस विषय में जगनी चाहिए। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, हमेशा किसी भी चीज़ को प्री में ध्यान में न रखकर तैयारी करना चाहिए, बल्कि तैयारी हमको मेंस की परीक्षाओं को भी ध्यान में रखकर करनी चाहिए। और साथ ही साथ हमारे भारत का ये इतिहास है तो उसके बारे में डिटेल से जानने की हमको भी इच्छा रखनी चाहिए। ठीक है, तो ये ऐसी आपकी जिज्ञासा प्रबल होनी चाहिए। तो आइए अब हम उन सारे शासकों का नाम लेंगे जो शासक आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है, और उनका भी नाम लेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए, आपको हो सकता है कि कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही है, इसलिए हम सारे शासकों का नाम लेते हुए ये बताएंगे कि इनका कार्यकाल कब से कब तक था। तो पहले हम यहाँ पर ये चर्चा करेंगे, फिर दोबारा हम ये चर्चा करेंगे किस शासक का क्या इम्पोर्टेंट है और उस शासक के समय कौन कौन सी घटनाएं घटी थी और उस वंश का शासक दूसरे वंश के शासक से किस प्रकार से संबंध था। ठीक है, तो फिर मैं ये कहूँगा कि इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से सुनने का प्रयास करिएगा। आइए देखते हैं। देखिए मित्र, दक्षिण भारत वंश के शासकों में या वंश के संदर्भ में यहाँ पर पूर्व मध्यकालीन इतिहास के संबंधित सारे वंशों के लिखा गया है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, और उसके अंतर्गत यानी कि वंश के अंतर्गत आने वाले उन शासकों के भी बारे में लिखा गया है और साथ ही साथ उनका कार्यकाल भी लिखा गया है। ठीक है, और ये बुक में अलग अलग जगहों पर होती है, लेकिन मैंने आपको एक जगह यहाँ पर लाकर कलेक्ट कर दिया है ताकि आपको बहुत ज़्यादा भटकना न पड़े। तो देखिए, जो दक्षिण भारत के पूर्व मध्यकालीन के इतिहास में जो वंश आते हैं वो कौन कौन से इम्पोर्टेंट वंश होते हैं, तो ज़रा सुन लीजिए। दक्षिण भारत के जो वंश हैं वो कौन कौन से वंश हैं, एक वंश है राष्ट्रकूट वंश, फिर एक वैगी की चालू का वंश आता है, फिर वैगी की चालू के बाद देखेंगे पल्लव वंश आता है, पल्लव वंश के बाद हम देखेंगे चोल वंश आता है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट कौन कौन से हैं, चोल वंश है, पल्लव वंश है, फिर इसके बाद देखेंगे राष्ट्रकूट वंश है, वैगी की चालुक हैं। चालुक दो तरीके के हैं, एक बादामी की चालुक भी है और एक कल्याणी की भी चालुक है। दक्षिण भारत में अगर देखेंगे तो छोटे छोटे और वंश रहते हैं, जैसे वहाँ पर पांड रहते हैं, द्रविड़ के केरल के भी शासक रहते हैं, लेकिन उनकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट मुख्य रूप से बादामी की चालुक्य की है, राजकूट की चालुक्य है, कल्याणी की चालुक्य है, वैगी की चालुक्य है, पल्लवों की है और चोलों की है। इतने भारत के जो दक्षिण भारत के वंश हैं इनका इम्पोर्टेंट यहाँ पर ज़्यादा है। ठीक है, तो मैं फिर कहता हूँ कि ध्यान से सुनने का प्रयास करिएगा। आप सोच रहे होंगे सर बार बार ये क्यों बोल रहे हैं, बार बार इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये बहुत कन्फ्यूजन का टॉपिक है और अक्सर लोग इसको क्लास में नहीं पढ़ाते हैं ना तो समझाने का प्रयास करते हैं, इसलिए मैं इस चीज़ को बार बार बोल रहा हूँ, ज़रा समझने का प्रयास करिएगा इस चीज़ को। तो देखते हैं, देखिए राष्ट्रकूट के वंश की अगर हम बात कर लेते हैं मित्र, तो राष्ट्रकूट के वंश में कब से कब तक इसका टाइम पीरियड माना जाता है, तो ये टाइम पीरियड 752 से लेकर 967 ईस्वी तक, कितने 752 से लेकर 967 के ईस्वी तक। ठीक है, तो पहले आप शासकों का नाम सुन लीजिए, उसका टाइम पीरियड सुन लीजिए, उसके बाद हम आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करते चले जाएंगे। हाँ, जितने भी वंश के शासक हैं तो इसमें हम बताते भी चले जाएंगे कौन इम्पोर्टेंट है और कौन इम्पोर्टेंट नहीं है।
क्यों इम्पोर्टेंट हम चर्चा करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, वो समझाते समय बता देंगे। तो देखिए, राजपूत वंश का टाइम पीरियड कितना है, तो टाइम पीरियड आपको याद होना ही चाहिए, ठीक है, इतना दिमाग में सेट कर लीजिएगा। तो राजपूत वंश का टाइम पीरियड 752 से लेकर 967 ईस्वी तक, कितने, 752 से लेकर 967 ईस्वी तक, तो पहले ये हम देखेंगे, ठीक है। तो इसमें पहला शासक कौन रहता है, दंतिदुर्ग, कौन रहता है, दंतिदुर्ग। तो ये इम्पॉर्टेंट है, जो इम्पॉर्टेंट होगा उसको हम इस तरीके का टिक मारेंगे, ठीक है, तो उस चीज़ को भी ध्यान में रखिए, और जो इम्पॉर्टेंट नहीं होगा उस पर हम टिक नहीं करेंगे, ठीक है। तो 752 में ये क्या करता है, राजकूट आता है, यहाँ पर शासन करता है राजकूट। अगला शासक जो है वो कृष्ण प्रथम है, और जो अगला शासक है वह ध्रुव है, कौन है मित्र, ध्रुव है, राजकूट का शासक ध्रुव है। और ये कब से कब तक है, 779 से लेकर 793 तक, कितने तक, 779 से लेकर 793 तक ये ध्रुव रहता है। फिर आता है गोविंद तृतीय, जी हाँ, गोविंद तृतीय महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट है, ये समझ सकते हैं कि राजपूत वंश का सर्वाधिक प्रतापी अगर शासक कोई था तो गोविंद तृतीय था, अभी हम डिटेल से चर्चा करेंगे। गोविंद तृतीय था जो 793 से लेकर 814 तक था, कितने, 793 से लेकर 814 ईस्वी तक था। अमोघ वर्ष जो 814 से लेकर 878 तक था। कृष्ण द्वितीय जो 878 से लेकर 914 तक था, ध्यान से सब सुनिएगा, 878 से लेकर 914 तक था। इंद्र तृतीय 914 से लेकर 927 तक था। गोविंद चतुर्थ 927 से लेकर 936 तक था। अमोघ वर्ष द्वितीय 936 से लेकर 939 तक था। अगला इम्पोर्टेंट जो शासक है मित्र वह कृष्ण तृतीय है, कौन है, कृष्ण तृतीय, 1939 से लेकर 1967 तक कृष्ण तृतीय रहता है। तो ध्यान से सुनिएगा, राजकूट के इतने इम्पोर्टेंट शासक हैं, लेकिन डेट इसलिए बता रहा हूँ कि आपको हो सकता है वहाँ से इसे दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए हम डेट पढ़ते चले जा रहे हैं, ठीक है, नहीं तो हम अन्यथा जो इम्पोर्टेंट शासक हैं उस पर ही टिक लगाते हैं। तो ये कौन कौन से हैं, दंतिदुर्ग हो गया, ध्रुव हो गया, गोविंद तृतीय हो गया, और कृष्ण तृतीय, ये आपके राजकूट वंश के चार महत्वपूर्ण शासक हैं। इतिहास में इनकी चर्चा बहुत विशेष रूप से होती है, कृष्ण प्रथम की भी होती है, हालांकि यहाँ पर नहीं, यहाँ पर दिया हुआ है, कृष्ण प्रथम की होती है। तो कृष्ण प्रथम की चर्चा जो होती है वह किस तरीके से होती है, क्योंकि कृष्ण प्रथम के द्वारा मित्र जो महाराष्ट्र में है एलोरा के पास कैलाशनाथ का मंदिर कृष्ण प्रथम के द्वारा ही बनाया गया था। बस एक ही पॉइंट के संदर्भ में इसकी चर्चा होती है कि महाराष्ट्र में कैलाश मंदिर का निर्माण करने वाला शासक कौन था, कृष्ण प्रथम था। तो ये चर्चा यहाँ पर आता है। अब आते हैं मित्र, हम देख लेते हैं कि वातापी की चालुक्य या बादामी की चालुक्य, कौन कौन से, वातापी की चालुक्य या बादामी की चालुक्य, तो इस पर भी थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं। इनका टाइम पीरियड कब से कब था, 550 से लेकर 745 ईस्वी तक, जी हाँ। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी क्लियर यहाँ पे करूँगा आपका, 550 से लेकर 745 तक, इसका मतलब आप थोड़ा सा आप ध्यान ये भी रखिएगा कि दक्षिण भारत में हम पूर्व मध्यकाल इतिहास स्पेशली चर्चा कर रहे हैं, लेकिन पूर्व मध्यकाल के इतिहास में जो इम्पोर्टेंट है स्पेशली हम उन्हीं के संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं, लेकिन लिंक भी तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 550, तो 550 ईस्वी में अगर जाएंगे तो उत्तर भारत में उस समय कौन सा वंश चल रहा था, तो उत्तर भारत में आप ध्यान में रखेंगे उस समय गुप्त वंश चल रहा था, कौन सा, गुप्त वंश चल रहा था। यानी कि जब समय दक्षिण भारत में वातापी या वादामी के चालुक्य थे तो उस समय उत्तर भारत में गुप्त वंश, फिर अंधकार युग और फिर हर्षवर्धन का समय आया हुआ था। उस समय तक दक्षिण भारत में वादामी या वातापी के चालुक्य अपना दक्षिण भारत में साम्राज्य का विस्तार किए हुए थे, ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। इसमें देखिए कौन है, इसमें जयसिंह था और रणराग था, पुलकेशियन प्रथम था। तो यहाँ पे पुलकेशियन जो प्रथम है मित्र, ये इम्पोर्टेंट है, पुलकेशियन प्रथम जो है ये इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है पुलकेशियन प्रथम, क्योंकि पुलकेशियन प्रथम वातापी या वादामी चालुक्य का वास्तविक संस्थापक के रूप में माना जाता है, और इसका टाइम पीरियड जो है वो 550 ईस्वी से लेकर 566 ईस्वी तक है, ठीक है। अगला शासक आता है कृतिवर्मन,
कीर्ति वर्मन आता है जो 566 से लेकर 597 रहता है, फिर मंगलेश आता है 597 से लेकर 609 तक रहता है, पुलकेशियन द्वितीय आता है। कौन आता है मित्र? पुलकेशियन द्वितीय। पुलकेशियन द्वितीय की बहुत चर्चा इतिहास में हुई है, कई बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है। और ये पुलकेशियन द्वितीय का युद्ध किससे हुआ था? इस पुलकेशियन द्वितीय का युद्ध उत्तर भारत में हर्षवर्धन से युद्ध हुआ था, और दक्षिण भारत में इसी समय देखेंगे तो पल्लव वंश लिखा हुआ है मित्र, यहाँ पे देखिए पल्लव वंश। और पल्लव वंश में इस समय यहाँ का जो शासक था वो कौन था? नरसिंह वर्मन प्रथम। कौन था? नरसिंह वर्मन प्रथम था, जिसका टाइम पीरियड यहाँ पे देख लीजिए 630 से लेकर 668 तक था। और इसका टाइम पीरियड देख लीजिएगा पुलकेशियन द्वितीय का, किसका? पुलकेशियन द्वितीय का टाइम पीरियड देख लीजिएगा तो 609 से लेकर 642, और नरसिंह वर्मन का 630 से लेकर 668 तक। तो ये क्या थे? समकालीन थे। और हर्षवर्धन भी क्या था? इसके समकालीन था। हर्षवर्धन भी इसके क्या था? समकालीन था। तो ध्यान से सुनिएगा, इसी तरह मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि सब एक दूसरे के समय काल में थे, तो इसलिए मैं आपको आगे चलकर अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, लेकिन पहले आप इस चीज़ को देखते चलिए, थोड़ा बहुत बता भी दे रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए पुलकेशियन द्वितीय, पुलकेशियन द्वितीय कहाँ का शासक था? वातापी या वादामी के चालुक्य का शासक था, और ये 609 से लेकर 642 तक शासन कर रहा था। अगला देख लेते हैं मित्र, विक्रमादित्य आता है, और विक्रमादित्य 654 से लेकर 680 तक रहता है, फिर विनयादित्य आता है 680 से लेकर 696 तक रहता है, फिर विजयादित्य आता है 696 से लेकर 1733 तक रहता है, फिर विक्रमादित्य आता है जो 733 से लेकर 745 रहता है, फिर कौन आता है? कृतिवर्मन आता है, और कृतिवर्मन द्वितीय रहता है, ठीक है, गौड़ शासक है, ये भी 745 तक ही रहता है, बहुत ज़्यादा दिन तक कृतिवर्मन नहीं चल पाता है, 700 गौड़ शासक के रूप में रहता है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा सुनिए, बहुत ही ध्यान से सुनने का प्रयास करिए। देखिए मित्र, ये जो पुलकेशियन ये जो वातापी वादामी के चालुक वंश थे, इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? इन्होंने अपनी राजधानी महाराष्ट्र के मानखेट में गोदावरी नदी तट के किनारे बनाया हुआ था, दक्षिण भारत में। आगे चल के जो ये कृतिवर्मन है ना मित्र, जो ये कृतिवर्मन है, इसी कृतिवर्मन को परास्त किसने किया था? दंती दुर्ग ने। कौन परास्त किया था? दंती दुर्ग ने प्राप्त किया था। और दंती दुर्ग ने किस शासक से मिला था? दंती दुर्ग ने क्या किया था? जाकर पल्लव वंश के शासक से मिल गया था। जी हाँ, पल्लव वंश के शासक से जाकर मिल गया था, और पल्लव वंश के शासक से जाकर किससे मिला था? ये देखिए नंदीवर्मन, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, पहले क्या किया था? पहले ये जो दंती दुर्ग था, ध्यान से सुनिएगा, जो दंती दुर्ग था ये कृतिवर्मन से मिला, और कृतिवर्मन से मिलकर इसने क्या किया? पल्लव वंश के शासक नंदीवर्मन द्वितीय को क्या कर दिया था? परास्त कर दिया था। टाइम पीरियड एक ही है, ये 731 से लेकर 795 के बीच में रहता है। फिर यहाँ पर देखेंगे कीर्तिवर्मन भी 750 के आसपास रहता है, और यहाँ पर ये देखिए दंती दुर्ग 752 था। तो यानी कि राजकूट वादामी के चालुक और पल्लव वंश के शासक लगभग ये समकालीन थे। तो कूटनीति कौन खेला? दंती दुर्ग ने खेला। दंती दुर्ग ने क्या किया? दंती दुर्ग ने क्या किया कि वादामी के चालुक्य के अंतिम शासक कीर्तिवर्मन से मिलकर नंदीवर्मन द्वितीय को परास्त कर दिया, यानी कि पल्लव वंश को एक तरीके से क्या कर दिया था? निस्तनाबूत कर दिया था, यानी कि उनकी शक्ति को छीड़ कर दिया था। अब इनके शक्ति को छीड़ किया तो राजकूट का जो शासक था पल्लव वंश और वादामी के चालुक्य में आपस में दुश्मनी पैदा किया। फिर एट लास्ट में दंती दुर्ग ने क्या किया? कीर्तिवर्मन को परास्त करके वादामी के चालुक्य को पूरी तरीके से समाप्त करके फिर महाराष्ट्र के मानखेट में उसी के आसपास राजकूट वंश की स्थापना होगी। किस वंश की स्थापना होगी? राजकूट वंश की स्थापना होगी। आप देख रहे हो ना 733-745, और दंती दुर्ग का टाइम पीरियड 752 है। तो इनका पतन करके इन्हीं के स्थान पे तो राजकूट वंश की स्थापना हुई थी। समझ में आया इतनी बात? तो मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। टाइम पीरियड का ध्यान रखिए, ठीक है। मैं फिर कहता हूँ,
कि ये ऐसा एक टॉपिक है ज़्यादातर इस चीज़ को क्लास में नहीं पढ़ाया जाता है, और पढ़ाया जाता है तो एक एक करके पढ़ाया जाता है, बच्चा कभी भी अपना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पाता है। लेकिन आज आपका कॉन्सेप्ट हद तक क्लियर हो जाएगा, पूरा मध्यकालीन इतिहास अगर आप पढ़ोगे तो मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि आपको समझ में आएगा। आप किसी भी YouTube चैनल पर देख लीजिए या कहीं भी आप अब तक क्लास किए होंगे तो इस तरीके की चीज़ों को आपके सामने कभी अब तक नहीं रखा गया होगा जो मैं आज आपके सामने रखने वाला हूँ या रख रहा हूँ। ठीक है, बस अर्थ क्या है कि इस चीज़ को थोड़ा सा दिमाग लगाकर ध्यान से लगा कर सुनिए। ठीक है, हाँ इतना चीज़। अब आते हैं, देखते हैं, अब ये चीज़ें तो आपको समझ में आ गई, कि राष्ट्रकूट वंश की स्थापना कैसे हुई थी। ठीक है, अब आते हैं, देखते हैं। देखिए मित्र, यहाँ पर लिखा है वैगिक के चालुक्य, कौन से वैगिक के चालुक्य के वंश के संदर्भ। आपने वैगिक के चालुक्य का नाम सुना होगा। देखिए, ये आंध्र प्रदेश, ये अपनी राजधानी तो मानिकखेड़ बनाए थे, ये अपनी राजधानी कहाँ बनाए हुए थे, ये आंध्र प्रदेश में वैगिक के पास पढ़ाए हुए थे, आंध्र प्रदेश में ही था। ठीक है, तो ये महाराष्ट्र और ये आंध्र प्रदेश में ही है। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए, वैगिक वंश के संस्थापक कौन था, विष्णुवर्धन था। कौन था? विष्णुवर्धन। तो थोड़ा सा यहाँ पर भी आप इतिहास को सुनने का प्रयास करिए। देखिए मित्र, होता क्या है कि जो पुलकेशियन द्वितीय रहता है, ये अपने समय का सर्वाधिक प्रतापी शासक होता है। कौन? पुलकेशियन द्वितीय, जिसने अपने, जिनकी राजधानी क्या थी, मानिकखेड़ थी। तो इस समय पुलकेशियन द्वितीय था जो 609 से लेकर 642 तक था। हर्षवर्धन को तो धूल चटा ही दिया था, क्योंकि हर्षवर्धन आ रहे थे तो पुलकेशियन द्वितीय ने उनको परास्त किया था। अब आपको मैं बताऊं तो ये पुलकेशियन द्वितीय जो था, ये पल्लव वंश के शासक महेंद्र वर्मन को भी इसने क्या किया था, महेंद्र वर्मन प्रथम को, ध्यान से सुनिएगा, महेंद्र वर्मन प्रथम को भी परास्त किया था। इसका भी टाइम पीरियड 600 लेकर 630 तक था। परास्त किसने किया था? पुलकेशियन द्वितीय ने परास्त किया था। इसका टाइम पीरियड 609 से 42 था, लगभग दोनों समकालीन थे। तो ध्यान से सुनिएगा, पुलकेशियन द्वितीय ने इनको जो परास्त किया तो परास्त करने के बाद हुआ क्या, परास्त होने के बाद इनके जो सीमा का क्षेत्र था, जहाँ पे पल्लों ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई हुई थी, कांची बनाई हुई थी। पल्लों ने अपनी राजधानी मित्र कहाँ बनाई हुई थी, कांची बनाई हुई थी। तो वहाँ तक इसका कब्जा हो गया था, लेकिन कांची पर अधिकार नहीं किया था, लेकिन पल्लों के उत्तरी भाग पर अधिकार किसने कर लिया था, ये कर लिया था पुलकेशियन द्वितीय। तो इसका एक भाई था, उसका भाई का नाम क्या था, विष्णुवर्धन था। पुलकेशियन द्वितीय ने क्या किया, पुलकेशियन द्वितीय ने अपने भाई को पल्लव वंश के जो आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र विजित किया हुआ था उसको दे दिया। तो इस विष्णुवर्धन ने क्या किया कि पुलकेशियन द्वितीय की जैसे ही मृत्यु होती है मित्र, पुलकेशियन द्वितीय की मृत्यु जैसे ही होती है, वो एक तरीके से या उसकी सत्ता कमज़ोर होती है, तो ये अपने आप में क्या कर लेता है, ये वैगी को स्वतंत्र कर लेता है। एक्चुअली में आप देखिए कि पुलकेशियन द्वितीय भले ही महेंद्र वर्मन को परास्त कर लिया था, लेकिन पल्लव वंश का जो अगला शासक आता है नरसिंह वर्मन प्रथम जो होता है, वो पुलकेशियन द्वितीय को बुरी तरीके से पराजित करता है। और जब पुलकेशियन द्वितीय को बुरी तरीके से पराजित कर लेता है तो पुलकेशियन द्वितीय कमज़ोर हो जाता है। उसी का फायदा उठाकर उसका भाई विष्णुवर्धन वैगिक चालुक्य वंश की स्थापना कर देता है आंध्र प्रदेश में। यानी कि एक तरीके से भाई से भी अलग हो जाता है, किससे अलग हो जाता है, एक तरीके से भाई से भी अलग हो जाता है। ठीक है, इससे ये इतना समझ में आया होगा आपको कि वैगिक चालुक्य का इतिहास क्या था। इतना समझ में आ गया होगा आपको कि न्यू कैसे पड़ी थी, ये समझ में आया। ठीक, अब देखते हैं इसमें जो शासक आते हैं। देखिए मित्र, ये जितना काला वाला आपका जितने भी शासक लिखे गए हैं, ये वैगिक वंश के ही शासक हैं। आप इस तरीके से समझ सकते हो, जिस तरीके से पूर्व मध्यकाल के इतिहास में चौहान वंश के शासकों की बहुत लंबी सिलसिला थी, मतलब श्रृंखला थी वहाँ। लेकिन इम्पोर्टेंट शासक अर्लो राज थे, अजय राज थे, इसके बाद पृथ्वीराज तृतीय थे, इतने 4-5 शासक ही इम्पोर्टेंट थे, लेकिन लिस्ट क्या थी, बहुत ज़्यादा लंबी थी। उसी तरीके से दक्षिण भारत में वैगिक चालुक्य वंश के शासकों की लिस्ट तो बहुत लंबी है, लेकिन इम्पोर्टेंट रूप में ऐतिहासिक दृष्टि से कुछ ही शासक हैं। लेकिन लिखवाया इसलिए गया है कि ताकि आपके दिमाग में रहे कि कौन कब और कहाँ और कैसे और किसके समय था,
ठीक देख लेते हैं। विष्णुवर्धन 621 लेकर 643, जयसिंह प्रथम 643 लेकर 662, इंद्रवर्मन 662 तक ही रहता है, विष्णुवर्धन द्वितीय 662 से लेकर 671, फिर मंगी उराज 672 से लेकर 696 तक, जयसिंह द्वितीय 696 से लेकर 709, फिर यहाँ पे देखिए मित्र लिखा है कोकिल विक्रमादित्य 709 तक इसमें रहता है, विष्णुवर्धन द्वितीय 709 से लेकर 745। अब देखिए ये सब ध्यान में रखते रहिए, क्योंकि इनकी इम्पोर्टेंट इसलिए नहीं हो पाती है क्योंकि अब तक तो 709 से 745 तक ही रहते हैं ये सब, तो कहीं ना कहीं अब यहाँ पर जब देखेंगे आप ये जो पल्लव वंश आ जाते हैं नरसिंहवर, तो वैगिक क्या हो जाते हैं, हाँ भी हो जाते हैं, और ये कहीं ना कहीं जो वैगिक चालुक्य थे इनको पुलकेशियन ने दबाया हुआ था, पुलकेशियन ने भी दबाया हुआ था वैगिक चालुक्य, और जो पल्लव वंश के शासक हैं इन्होंने भी दबाया हुआ था, और कुछ राजकोट के शासक थे इन्होंने भी दबाया हुआ था। यानी कि आप ये कह सकते हैं वो कि वैगिक चालुक्य वंश का कोई ऐसा महत्वपूर्ण शासक नहीं था जो एक तरीके से राजपूत को पूरी तरीके से दबा सके, जो पल्लव वंश को दबा सके और जो चोल वंश को दबा सके, ऐसा कोई महत्वपूर्ण शासक यहाँ पर हुआ नहीं। हाँ ये था कि लोग इसको अपना एक सहयोगी के रूप में बना लेते थे और उनसे दोस्ती करके गुट बना के तीसरे पे अटैक करते थे, यही सिलसिला के लिए इनका ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता था, बाकी इनमें कोई ऐसा महत्वपूर्ण शासक नहीं होता है जो पूरी तरीके से या तो चोलों को दबा दें या पूरी तरीके से राष्ट्रकूट को दबा दें या पूरी तरीके से पल्लवों को दबाया हुआ, ऐसा कोई नहीं था। हाँ इनका इम्पोर्टेंट उसी के टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग चलता है, तो लोग इसको एक दूसरे से मोहरा बनाकर यूज किया करते थे। जी हाँ, मोहरा बनाकर इसको यूज किया करते थे, ज़्यादातर आप इसको उसी के रूप में समझने का प्रयास करिएगा। लेकिन अस्तित्व कैसे आया था ये आप समझ गए। वैगिक चालुक्य को हम पूर्वी चालुक्य भी के नाम से जानते हैं, और जो कल्याणी के चालुक्य थे इनको हम किसके नाम से जानते हैं, इनको हम जानते हैं किसके नाम से, पश्चिमी कल्याणी के नाम से, पश्चिमी चालुक्य के नाम से, और वैगिक चालुक्य को किस नाम से जानते हैं, पूर्वी चालुक्य के नाम से जानते हैं। लेकिन ध्यान में रखिएगा, न्यू तो इन्होंने पढ़ा दी, लेकिन आगे चलकर इनका मतलब वैगिक चालुक्य, राजकोट, कल्याणी के चालुक्य, पल्लव और प्लस चोल, ये सब आपस में भिड़ते रहते थे। आपस में क्या रहते थे, भिड़ते रहते थे, तो वहाँ भी इनका इम्पोर्टेंट थोड़ा सा दिखाई देता है। ठीक है, तो देख लेते हैं यही सारे शासक थे। विष्णुवर्धन 709 से लेकर 745 तक, विजयादित्य जो था 764 तक था, विष्णुवर्धन चतुर्थ जो था 764 से लेकर 799 था, विजयादित्य द्वितीय जो था 799 से लेकर 814 था, और भीम सालुक जो था वो 814 तक था। फिर यहाँ पे देख लेते हैं विजयादित्य द्वितीय जो था 811 से लेकर 843 तक था, विष्णुवर्धन पंचम जो था 843 से लेकर 844 तक था, विजयादित्य तृतीय 844 से लेकर 848 तक था, भीम प्रथम वैगिक चालुक्य का शासक था। एक भीम प्रथम आपको वहाँ भी मिलेगा, कहाँ पर, सोलंकी वंश के शासक के समय, जिस समय महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ था, वो भीम प्रथम दूसरा है, और यहाँ पे भीम प्रथम दूसरा है, इसका टाइम पीरियड 888 है, और उसका टाइम पीरियड महमूद गजनवी के समय आक्रमण जब हुआ था, यानी कि 1025 उसका टाइम पीरियड था, तो उसको मत समझ लीजिएगा। ठीक है, अब ये भीम प्रथम यहाँ 888 तक, फिर यहाँ पे अम्मा प्रथम दिया गया 919 लेकर 926 तक, विजयादित्य दिया है 926 तक, फिर ताल प्रथम 926, फिर विक्रमादित्य द्वितीय और 927 लेकर 928, एक दो साल पाँच साल ऐसे थे। भोज द्वितीय, भोज का नाम कई बार आता है, अगर भोज द्वितीय है तो इसका मतलब पहले इसमें भोज प्रथम रहा होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा ये वैगिक चालुक्य में भोज का यूज किया गया। एक भोज महान शासक था, वो परमार वंश का शासक था, लेकिन वह उत्तर भारत के राजवंश का शासक था। ठीक है, और उसका टाइम पीरियड कुछ अलग था, ये 928 में था, फिर युद्धमल्ल द्वितीय जो 929 से लेकर 935 था, फिर भीम तृतीय 935 से लेकर 946, फिर अम्ब तृतीय 946 से लेकर 956, फिर अम्ब तृतीय, फिर ये देखिए चोड़ भीम, फिर शक्तिवर्मन और कुलोतुंग चोल। ठीक है, कुलोतुंग चोल। अब देखिए मित्र, यहाँ पे जो
कुलुतुंग चोल दिया है ना, ये थोड़ा से आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। कुलुतुंग चोल है तो वैगी की चालुक, तो यहाँ पे कुलुतुंग चोल दिया है, तो इसका इम्पॉर्टेंट आगे चलकर चोल वंश से कैसा संबंध था वो अभी हम आपको बाद में बताएंगे। लेकिन हाँ, ये क्यों, क्योंकि चोल वंश में और वैगी की चालुक में आगे चलकर वैवाहिक संबंध स्थापित हो जाता है, तो वहीं पर वैगी के चालुक के जो ये कुलुतुंग शासक था जो चोल वंश के वंशालियां चली आती थी उसको समाप्त करके जो वैगी चालुक का अंतिम शासक था वो कहीं ना कहीं अपना आधिपत्य जमा लेता था, ठीक है, जमा लेता है अंत में। लेकिन वो समय टाइम पीरियड कौन सा है, वो टाइम पीरियड लगभग 1150 ईस्वी का आसपास है, ठीक है, तो एट लास्ट में उसको हम बाद में देख लेंगे। हाँ, लेकिन संबंध इनका पल्लों से भी था, इनका कल्याणी से भी था, राजकूट से भी था और चोलों से था। ज़्यादातर इनका संबंध किससे था, ज़्यादातर इनका टाइम पीरियड कल्याणी की चालुक और चोलों से था, ठीक है, दोनों से इनका संबंध था, राजकूट से भी था थोड़ा, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अब आगे देख लेते हैं कल्याणी की चालुक की, जी हाँ, कल्याणी की चालुक के संदर्भ में थोड़ा सा देख लेते हैं। अभी आपने क्या देखा, अभी आपने राजकूट को भी देखा, वातापी की चालुक को देखा, तो आपने देखा ना कि ये वातापी और अदामी के चालुक अपनी राजधानी कहाँ बनाए हुए थे, इस चीज़ को आपने देखा था। फिर इनके लास्ट शासक को कैसे दंती दुर्ग ने कितने चलाके से इनको क्या किया, समाप्त किया पल्लों से मिलकर, ठीक है। और फिर जो आपने ये भी देखा कि विष्णुवर्धन कौन था, विष्णुवर्धन कैसे अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया, और कैसे पुलकेशिन द्वितीय नरसिंह वर्मन द्वितीय से जब परास्त होता है तो ये अपने आप को कैसे स्वतंत्र घोषित कर लेता है, इनकी वंशालियाँ कैसे बनती है, इतनी चीज़ें तो आपने समझा। फिर आइए देखते हैं कि जो कल्याणी के चालुक थे, जी हाँ, कल्याणी के चालुक के संदर्भ में जरा जानने का प्रयास करिएगा। अब होता क्या है, अब ये होता है कि जो ये राजकूट का शासक था कृष्ण, यहाँ पे खोटिक लिखा हुआ है, तो आगे चलकर मित्र क्या होता है कि राजकूट की शक्तियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। राजकूट की शक्तियाँ जब कमज़ोर होती है तो जो ये वादामिक चालुक होते हैं, जो वादामिक चालुक होते हैं, मित्र ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो ये वादामिक चालुक होते हैं जो फिर आगे चल के कल्याणी के चालुक होते हैं, ये इन्हीं के वंशज रहते हैं, इन्हीं के क्या रहते हैं, वंशज रहते हैं। लेकिन राजकूटों ने लगभग 200 सालों तक, लगभग 200 सालों तक क्या किया था, इनके वादामिक चालुक को दबाया हुआ था, यानी राजकूट इनके सामंत थे और जो कल्याणी के चालुक थे वो किसके सामंत हो गए, राजकूट के सामंत हो गए, जो इनके वंशज थे। तो इन्होंने भी मौका पाया तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जब मौका पाया तो राजकूट के अंतिम शासक को परास्त करके तैलब द्वितीय ने कल्याणी चालुक वंश की नींव डाली थी। क्यों, क्योंकि राजकूट कमजोर हो गए और ये अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिए, क्लियर। तो ये हो गए कल्याणी के चालुक के वंशज, किसे थे, वातापी के चालुक, वो वातापी के चालुक जिसका कभी राजकूट सामंत हुआ करता था लेकिन उसने स्वतंत्र घोषित करके वादामी के चालुक को दबा दिया। फिर 225 साल उनके वंशज पे शासन किया, फिर इनको जब मौका मिला तो राजकूटों को परास्त करके फिर इन्होंने अपने शक्ति को बढ़ाकर कल्याणी के चालुक के रूप में ये फिर मानखेट में ही अपना क्या किया, साम्राज्य का विस्तार किया, ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब आइए देखते हैं कि कल्याणी के चालुक में कौन कौन शासक थे, इसलिए आप देखेंगे कि विनयादित्य, विक्रमादित्य ये जितने भी शासक थे वो इस यहाँ पे भी देखने को आपको मिल जाते हैं। और ये वैगी के चालुक चूँकि ये भाई भाई थे तो विजयादित्य, विनयादित्य, विष्णुवर्धन ये इन सब में आपस में मिलते रहते हैं। भाई लोकल नाम होता है ना तो वो चीज़ तो आपको दिखाई देगा, ठीक। अब देख लेते हैं तैलद्रिति, जी हाँ तैलद्रिति, इनका टाइम पीरियड जो था मित्र वो पूरा यहाँ पे देखिए 997 से लेकर 1156 तक, जी हाँ 1156 तक, 1156 तक कल्याणी के चालुक का क्या था, शासन था भारत में, ठीक। तो इसमें देख लेते हैं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण शासक हैं और ध्यान से सुनिएगा। देखिए तैलद्रिति, तैलद्रिति जो था वह कल्याणी चालुक वंश का क्या था, संस्थापक था, और राजकूट का कौन था, राजकूट का कौन था, दंती दुर्ग था, और वादामी के चालुक का वास्तविक संस्थापक कौन था, पुलकेशियन प्रथम था, ठीक। लेकिन महाशासक कौन था, पुलकेशियन द्वितीय था, ठीक। अब यहाँ पे देख लेते हैं तैलद्रिति, फिर सत्याश्र जो 997 से लेकर 1000
8 तक था, 1008 तक। और महमूद गजनवी का आक्रमण कब हुआ था भारत में? 1001 में हो गया था। तो इसका मतलब मानखेट महाराष्ट्र में उस समय किसका शासन चल रहा था? सत्याश्रय का चल रहा था। ठीक, फिर इसके बाद देख लेते हैं विक्रमादित्य पंचम। अब यहाँ पे देखिए विक्रमादित्य पंचम का मतलब कि कहीं ना कहीं विक्रमादित्य शब्द जो यूज किया गया है, यहाँ पे देखिए विक्रमादित्य द्वितीय है ना, अब फिर इसमें विक्रमादित्य चतुर्थ भी है, तो फिर यहाँ पे आ गया तो विक्रमादित्य पंचम। ठीक, जिस तरीके से इसमें विष्णुवर्धन द्वितीय तृतीय है और यहाँ पे देखिए विष्णुवर्धन पंचम है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है विष्णुवर्धन पंचम लिखा हुआ है, और इसमें भी विक्रमादित्य फर्स्ट तृतीय चतुर्थ है और यहाँ पे द्वितीय है, तो यहाँ पे विक्रमादित्य पंचम है। इस वंश से नहीं लिया गया, इस पीछे से भी वंश से इस वंश के शासकों से जोड़ा गया है, बात समझ में आ रही है ना। ठीक, फिर अब देखिए ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, सत्याश्रय इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब जय सिंह द्वितीय, जय सिंह का द्वितीय का टाइम पीरियड मित्र 1015 से लेकर 43 तक इम्पोर्टेंट है। सोमेश्वर प्रथम 1043 से 68, सोमेश्वर द्वितीय, विक्रमादित्य चतुर्थ 1076 से लेकर 1126, सोमेश्वर तृतीय, तैला द्वितीय और सोमेश्वर चतुर्थ। अब यहाँ भी देख लेते हैं कि जो सोमेश्वर चतुर्थ था इसी के समय आते आते जो हुआ था वो कल्याणी चालुक्य का एक तरीके से क्या हो गया था, अंत हो गया था। लेकिन यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट अगर आप शासक देख लेते हैं मित्र, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट शासक तैला द्वितीय और सत्याश्रय का ही होता है, बाकी आगे के जो शासक होते हैं वो उतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हो पाते। हाँ, ये सब क्षेत्रीय अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर लेते, लेकिन तैला द्वितीय और सत्याश्रय का इम्पोर्टेंट था, ये आगे चलकर संकुचित हो जाते हैं। और लास्ट में 1156 में आते आते कल्याणी के चालुक्यों का पतन हो जाता है। पतन कौन करता है, तो ध्यान से एक लाइन सुन लीजिएगा, यहाँ पर इनके स्थान पर 1156 में आते आते इनके एक सामंत थे यादव वंश। जी हाँ, यादव वंश जो देवगिरी में अपने क्या किए थे, स्थापना किए थे, वहीं पर रहते थे। यादवों ने क्या किया, इन कल्याणी के चालुक्यों को क्या कर दिया, इनका पतन कर दिया यादव वंश। और यादव वंश की एक शाखा कौन, एक शाखा और भी थी होयसल, जो द्वार समुद्र कर्नाटक में अपनी राजधानी बनाए हुए थे। तो यादव वंशों के द्वारा इनका पतन कर दिया जाता है 1156 में। इनका पतन चोलों ने नहीं किया था, इनका पतन पल्लवों ने नहीं किया था। भाई इस समय चोल भी तो चोल क्या हो गए थे, ख़त्म हो गए थे, पल्लव उसके पहले ख़त्म हो गए थे, और राजकूट भी तो राजकूट को तो पतन करके ये आए ही थे। तो इनका पतन कौन, किसने किया, यादव वंश ने किया। ठीक, जिन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई हुई थी, देवगिरी में बनाई हुई थी। और यादव भी किनके सामंत थे, कल्याणी के चालुक्य के ही सामंत थे। इतनी बात समझ में आई मित्र, इतनी बात समझ में आई। ठीक, अब देख लेते हैं थोड़ा सा, अब यहाँ पर देख लेते हैं पल्लव वंश के बारे में देख लेते हैं। जी हाँ, पल्लव वंश के बारे में तो देखिए दो चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिए। इन दक्षिण भारत के जितनी भी वंशालियाँ दी गई हैं, खासतौर हम इसको पूर्व मध्यकाल के ही अंतर्गत पढ़ाते हैं, लेकिन ध्यान में रखिएगा इसमें सबसे पुराना वंश एक पल्लव वंश दिया हुआ है और एक बादामी के चालुक्य का दिया गया है। ये प्राचीन काल से इनका लिंक जुड़ा हुआ है, प्राचीन काल से लेकर ये लगभग लगभग मध्यकाल में भी आए हुए हैं। कौन कौन से जितने वंश लिखवाए, मुख्य रूप से दो, एक पल्लव वंश, एक बादामी के चालुक्य। इनकी भी शुरुआत 550 से यहाँ दिखाई गई है और इनकी शुरुआत यहाँ 575 से दिखाई गई। हालांकि पल्लव वंश में जब समुद्र रूप का शासन चल रहा था तो सिंह विष्णु से भी पहले तीन शासक हुए थे, विष्णु गोप जिसको समुद्रगुप्त ने हराया था वो भी पल्लव वंश का शासक ही था। लेकिन सिंह विष्णु यहाँ पर इसलिए लिखा गया है क्योंकि सिंह विष्णु जो था वो पल्लव वंश का वास्तविक संस्थापक था। ठीक, पल्लव वंश का क्या था, वास्तविक संस्थापक था। तो आप समझ सकते हो कि पल्लव वंश और जो बादामी के चालुक्य हैं, ये प्राचीन इतिहास से लेकर मध्यकालीन के बीच तक इनका अध्ययन किया जाता है, और मध्यकालीन में पूर्व मध्यकाल का इतिहास। तो ये बात दिमाग में आप थोड़ा सेट कर लीजिएगा। अब हम पूर्व मध्यकाल में इतिहास पढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब हम 700 के बाद शासक तो उठाएंगे नहीं, हमको तो उनके स्रोत से उठाना होगा ना जी, तभी तो चीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक, अब देखते हैं
सिंह बिष्णु जो था वो 575 से लेकर 600 ईस्वी था। सिंह बिष्णु क्या था? सिंह बिष्णु जो था वह पल्लव वंश का वास्तविक संस्थापक था। अब यहाँ पे जो मित्र था इस समय वादामिक चालुक तो उभरे नहीं थे, लेकिन पुलकेशिन द्वितीय आता है तो महेंद्र वर्मन को परास्त करता है। तो महेंद्र वर्मन को पुलकेशिन द्वितीय परास्त करता है और नरसिंह वर्मन जो प्रथम रहता है जो 630 से लेकर 638 रहता है ये पुलकेशिन द्वितीय को परास्त कर देता है। जिसका फायदा कौन उठा रहता है? उसका भाई विष्णुवर्धन जो वैगे में स्वतंत्र घोषित कर देता है, अभी मैंने बताया। फिर इसके बाद महेंद्र वर्मन है इम्पोर्टेंट नहीं है, परमेश्वर वर्मन इम्पोर्टेंट नहीं है, नरसिंह वर्मन द्वितीय आते हैं ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है स्थापत्य कला के रूप में, क्योंकि नरसिंह वर्मन के ही द्वारा मित्र कांची में कैलाश नाथ की मंदिर का निर्माण किया गया था। ठीक है, अब महेंद्र वर्मन प्रथम का क्या काल था इम्पोर्टेंट, थोड़ा सा एक लाइन सुन लेते हैं। महेंद्र वर्मन का इम्पोर्टेंट था कि इन्होंने महाबलिपुरम मंदिर का निर्माण किया था जो एकाशात्मक पत्थर से निर्मित होने वाला एक तरीके से पहला मंदिर महाबलिपुरम था। एकाशात्मक पत्थर का मतलब ये होता था कि किसी पर्वत को उसी को काट कर ही बनाया गया था, न कि तोड़ तोड़ के बनाया गया था, उस पर्वत को ही डिजाइन करके मंदिर का निर्माण करवा दिया गया था। ठीक है, जैसे कोई पर्वत हो उसको तोड़ तोड़ कर एक मंदिर का आकार दे देना, उसे एकाशात्मक मंदिर का निर्माण करवाने वाला द्रविड़ शैली में कौन था? महेंद्र वर्मन प्रथम था। ये इम्पोर्टेंट है। और नरसिंह वर्मन प्रथम का इम्पोर्टेंट का मतलब ये था कि इसने पुलकेशिन द्वितीय को परास्त किया था। फिर इसके बाद लिखते हैं नरसिंह वर्मन द्वितीय जिसने कैलाश नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कांची में। ठीक, फिर देखिए मित्र ये आता है दंती वर्मन। अब देखते हैं ये जो दंती वर्मन होता है मित्र, ये जो दंती वर्मन रहता है इसे 795 से लेकर 845 किसका शासन था? दंती वर्मन का था। और ये दंती वर्मन कौन था? देखिए दंती वर्मन अभी मैंने आपको बताया पल्लव वंश के में इसे दंती वर्मन के समय पल्लव वंश का पतन हो जाता है। क्या हो जाता है मित्र? पल्लव वंश का पतन हो जाता है। कैसे पतन हो जाता था? अभी मैंने क्या बताया मैंने ये बताया था कि दंती दुर्ग ने कौन राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग ने बादामी के चालुक के अंतिम शासक कृति वर्मन से मिलकर पल्लव वंश के शासक दंती वर्मन को परास्त कर देता है, फिर आगे चलकर कृति वर्मन को परास्त करके राष्ट्रकूट वंश की स्थापना भी कर लेता है। ठीक, तो यहीं से पल्लव वंश कमजोर हो जाता है। तो फिर दक्षिण भारत में यानी कि कृष्णा नदी के इस पार पल्लव वंश के पतन होने के बाद किस वंश का उदय होता है? तो यहीं से वंश का उदय होता है चोलों का। किसका? चोल वंश का उदय होता है। यानी कि पल्लव वंश के एक शक्तिशाली वंश के बाद एक नया शक्तिशाली वंश का उदय होता है, वो कौन सा वंश उदय होता है बोलिए? चोल वंश। कौन सा वंश? चोल वंश का उदय होता है। अब जरा चोल वंश के संदर्भ में पहले हम शासकों के संदर्भ में यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, देखिए मित्र थोड़ा थोड़ा मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, अभी इसके बाद मैग के माध्यम से मैं आपका एक बृहद कॉन्सेप्ट और क्लियर कर दूंगा। ठीक है, लेकिन ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, और हो सके तो रिवाइज करके सुनिएगा। मैं फिर कहता हूँ कि ये आपको कोई इतना डिटेल से पढ़ाने वाला नहीं है एक साथ, और एक एक करके पढ़ाएगा तो आपके दिमाग में कभी सेट हो ही नहीं पाएगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आइए चोल वंश के बारे में देख लेते हैं। देखिए चोल वंश का जो टाइम पीरियड मित्र वो 850 से लेकर 1279 तक है। कितने तक? 1279 तक। इसका मतलब इस समय यहाँ पर गुलाम वंश लगभग ख़त्म होने वाला था। गुलाम वंश लगभग क्या होने वाला था इस समय यहाँ पर? ख़त्म होने वाला था। दिल्ली सल्तनत की नींव पड़ चुकी थी। कब? 1200 में, लेकिन 850 में नहीं हुआ था ना। मोहम्मद गोरी कब आया था? 1206 में आया था। ठीक है, तो उत्तर भारत से भी थोड़ा तुलना करते चलिएगा। अब देखिए विजयालय आया। कौन आया? विजयालय। होता क्या मित्र कि चोल वंश के पहले दक्षिण भारत में कुछ छोटे छोटे शासक हुआ करते थे जो संगम वंश में थे। तो संगम वंश में आपने देखा होगा चेर, चोल और पांड। तो इन तीनों में से आगे उभार कर कौन आता है? चोल। संगम वंश में पहले चोल और पांड इसलिए नहीं उभर के आते हैं क्योंकि पल्लव वंश यहाँ से पहले उनको दबा देते हैं। 400 ईस्वी के पास ही पल्लव वंश उनको
चोल और चेर पांड को दबा देते हैं, जब इनका अस्तित्व खत्म हो जाता है 795 में, ये जो बदामी के चालुक्य और राष्ट्रकूट दोनों मिलकर इनको समाप्त कर देते हैं, तो जो चोर और चोर पांड थे ये धीरे धीरे क्या होते हैं, उभर जाते हैं। क्या होते हैं, धीरे धीरे ये अपनी शक्ति को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। क्यों, क्योंकि बाप जब ख़त्म हो जाता है तो बेटा ज़्यादा स्वतंत्र महसूस करता है, ज़्यादातर ऐसे ही दिखाई देता है। नहीं देखते हो, प्रैक्टिकली देख लो भाई। ठीक है, अब देख लेते हैं। विजयालय आता कौन है, विजयालय। और चोलों ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई हुई थी, तंजोर बनाई हुई थी। पल्लू ने कहाँ बनाई हुई थी, कांची बनाई हुई थी, ठीक है। और वैगी ने आंध्र प्रदेश में बनाया हुआ था, और कल्याणी बदामी के चालुक राजकोट मानखेट में बनाया हुआ था। कॉन्सेप्ट पूरा कैसे क्लियर करोगे, डेट को देखते हुए क्लियर करोगे आप लोग, ठीक। अब देखिए विजयालय, विजयालय 850 से लेकर 877 तक था, ध्यान से सुनिएगा इसको, इम्पोर्टेंट है सर। विजयालय भारतीय इतिहास में दक्षिण भारत में अगर सबसे महत्वपूर्ण वंश है मित्र, तो चोल वंश है, निश्चित रूप से मैं कहूँगा चोल वंश है, ठीक। अब देखते हैं, तो विजयालय 850 से लेकर 877 तक था। इसके बाद आदित्य प्रथम आता है 877 से लेकर 907 तक था। फिर प्रांतक आता है 907 से लेकर 953 तक था। इतने शासक तो चोल वंश में, चोल वंश का साम्राज्य का विस्तार किया, लेकिन इसके तीन दशकों तक, तीन दशकों का मतलब जो ये आप देख रहे हो, गंडरादित्य, प्रांतक दित्य और फिर उत्तम चोल, ये तीनों का जो टाइम पीरियड है 953 से लेकर 957, 957 से लेकर 973, 973 से लेकर 985 तक, लगभग मित्र तीन दशक तक ये इम्पोर्टेंट शासक नहीं है। कारण ये था मित्र कि इस समय हुआ क्या था कि अगर आप देखोगे जो प्रांतक था ना, ये 953, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मिस मत करिएगा, जिस समय प्रांतक का शासक था उसी समय राष्ट्रकूट का शासक का कृष्ण तृतीय का शासन चल रहा था। किसका, कृष्ण तृतीय का शासन चल रहा था। तो प्रांतक तो था मजबूत। प्रांतक के बारे में बताया जाता था कि ये दक्षिण भारत में श्रीलंका तक जाकर इसने वहाँ विजय हासिल की थी। और लेकिन ये क्या था, ये धीरे धीरे बढ़ रहा था। वैगी के चालुक्य को भी कहीं ना कहीं इसने परास्त किया था, पल्लव वंश को भी इसने परास्त किया था। तो किया क्या, जो कृष्ण तृतीय था मित्र, ये वैगी के चालुक्य से जाकर मिल जाता है, वैगी के चालुक्य से जाकर मिल जाता है 939। अगर यहाँ पर देखेंगे तो 939 यहाँ देखने को मिल जाएगा आपको, क्योंकि इनका बहुत लंबा टाइम पीरियड था मित्र। तो 939 के आसपास देखोगे ये भीम तृतीय वगैरह थे, इनसे मिल जाता है। और इन राजकोट ये वैगी से मिल जाते हैं, और मिलने के बाद क्या करते हैं कि इनके ऊपर अटैक कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी देख लेंगे तो आपको तैला देते हैं, यहाँ पर तो कल्याणी की चालुक उदय ही नहीं होते, क्योंकि यहाँ पर राजकोट ही थे, तो कल्याणी की चालुक का कोई सवाल ही नहीं था, वैगी की चालुक थे यहाँ पर। तो कृष्ण तृतीय वैगी के चालुक से मिलकर प्रांतक को क्या कर देता है, परास्त कर देता है, यानी कि उभरती हुई चोल वंश को क्या करता है, दबा देता है। चोलों ने पल्लवों को दबा दिया था, तो फिर आगे चलकर कृष्ण तृतीय दबाता है। इतने इंपॉर्टेंट आ सकते नहीं थे, लेकिन कृष्ण तृतीय राजकूट की दबी हुई शक्तियों को फिर से क्या करता है, उभारता है, ठीक है। अब देख लेते हैं, इनको यहां परास्त करता है, लेकिन यहाँ पे कृष्ण तृतीय का जैसे शासन पीरियड टाइम समाप्त होता है 1939 से 1968, वैसे ही देखते हैं कि 1950 में चोल वंश का एक शासक आ जाता है, राजराज प्रथम। कौन आता है मित्र, राजराज प्रथम आता है। और ये राजराज प्रथम क्या करता है, चोल वंश को फिर तेजी से साम्राज्य का विस्तार करता है, तेजी से साम्राज्य का विस्तार करता है। और मैं आपको यहीं पर बता देना चाहता हूँ मित्र कि जो राजराज प्रथम था, राजराज प्रथम था, कहा जाता है इसके बारे में कि इसने पूरे बंगाल के खाड़ी तक के इसने विजय प्राप्त किया था। और ये भी कहा जाता है कि इसने 12,000 द्वीपों पर अपना कब्जा जमाए हुआ था, और श्रीलंका के शासक को भी इसने क्या किया था, परास्त कर दिया था।
और राष्ट्रकूट यानी कि जो राष्ट्रकूट के शक्ति थे उन पर भी ये कहीं ना कहीं धीरे धीरे दबदबा बनाया हुआ था। यानी कि चोलों की जो सीमा थी वो पल्लव वंश को क्रॉस करते हुए यहाँ तक पहुँच चुका था। कहाँ तक? राष्ट्रकूट की सीमा को कवर कर रहा था। लेकिन उसी समय कल्याणी धीरे धीरे उभरना चालू हो गए। ये देखिए कल्याणी उभरना चालू हो गए, यहाँ पे लिखा हुआ है ना विक्रमादित्य, ये सब उभरना चालू हो गए थे। लेकिन इनकी मजाल नहीं थी, इनकी मजाल नहीं थी कि इस समय चोलों की तरफ बढ़ जाए। और चोल अगर चाहते मित्र तो उत्तर भारत पर पूरा साम्राज्य का विस्तार कर लेते और किया भी है। राजेंद्र प्रथम ने उत्तर भारत में अटैक किया है, वहां पर उसने भी अटैक किया है। और मैं आपको बता दूं यहां पर देखिए लिखा गया है राजधिरा राजेंद्र प्रथम। ये देखिए मित्र, यहां पर देखिए राजेंद्र प्रथम 1144 तक। तो ये पूछा जाता है कि जिस समय महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ था भारत में, उस समय चोल वंश का शासक कौन था? तो चोल वंश का शासक कौन था? राजेंद्र प्रथम था। कौन था? राजेंद्र प्रथम था मित्र, ठीक है। और राजेंद्र प्रथम के बारे में यह बताया जाता है कि इसने बंगाल की खाड़ी में नहीं बल्कि इसने जो सुमात्रा जावा इंडोनेशिया जैसे द्वीप है जिसको प्राचीन काल में सैलेंद्र बोला जाता था, आज एक तरीके से हम कह सकते हैं कि दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश, उसको प्राचीन काल में एक तरीके से सैलेंद्र बोला जाता था, वहां तक इसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। और मैं आपको बता दूं कि दक्षिण भारत में सबसे अधिक साम्राज्य विस्तार करने वाला अगर कोई वंश था तो वो चोल वंश था। केवल इतना ही नहीं, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि भारत में जितने वंश थे उन वंशों में मौर्य वंश के बाद अगर कोई अपने साम्राज्य का विस्तार करने वाला सबसे अधिक था तो वो चोल वंश था। कौन था? चोल वंश था। क्लियर? तो ये बातें यहां तक आपको समझ में आई? बोलिए। तो मुझे लगता है यहां तक समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं मित्र, यहां पे जो राजेंद्र तृतीय आता है, वीर राजेंद्र आता है। अब यहां पे देखिए राजेंद्र प्रथम के बाद ये जो राजा धीराज का समय आता है मित्र, ये यहीं से कुछ चीजें गड़बड़ होने लगती है। होता क्या है अब जरा सुनिए, होता क्या है कि वैगिक के चालुक होते हैं इस दरमियान जो कल्याणी के चालुक वैगिक चालुक में आपस में दुश्मनी रहती है और उड़ीसा के गंग शासक भी रहते हैं, तो दोनों की निगाह इनके ऊपर रहती है। तो होता क्या कि जो चोल थे वो अपना वैवाहिक संबंध यहाँ पर करना प्रारंभ कर देते हैं। कहाँ पर? वैगिक के चालुक्यों से अपना वैवाहिक संबंध करना प्रारंभ कर देते हैं, ठीक मित्र। तो ये अपना वैवाहिक संबंध यहाँ पर प्रारंभ करना चालू कर देते हैं लगभग। अब देखिए होता क्या है कि जब वैवाहिक संबंध हो गया तो आगे चलकर जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो वीर राजेंद्र हैं, एक्चुअली में राजेंद्र तो चोल वंश के थे लेकिन आगे चलकर ये वैगिक चालुक्य के जो शासक थे वो यहाँ पर आ जाते हैं। यहीं से चोल वंश क्या होता है, दो भागों में डिवाइड हो जाता है। दो भागों का मतलब विजयालय से लेकर राजेंद्र राजधिराज तक एक तरफ मूल चोल वंश थे और आगे जो आते हैं ये क्या होते हैं, ये कहीं ना कहीं वैगिक चालुक्य ही शासक रहते हैं। ये जो कुलतुंग वगैरह हैं मित्र, ये वैगिक ही चालुक्य शासक हैं लेकिन इनको किस में रखा गया? चोल वंश। इसीलिए चोल वंश को दो शाखाएं थी, एक विजयालय से लेकर राजधिराज तक और फिर एक राजेंद्र या वीर राजेंद्र से लेकर राजराज तृतीय तक, ठीक। कैसे? अब देख सकते हैं आप यहाँ पर, देखिए ध्यान से सुनिएगा, पुलकेशियन द्वितीय ने क्या किया, पुलकेशियन द्वितीय से होकर वैगिक चालुक और फिर वैगिक चालुक आगे चल के कहाँ मिल गए? चोल में। और फिर चोल की दो शाखाएं हो गई, एक राजेंद्र द्वितीय के पहले और एक राजेंद्र द्वितीय के बाद। अब फिर लेकिन हाँ ये मिलते हैं तो ये चोल से ही मिल जाते हैं, ये चोल से मिल जाते हैं। तो ये एट लास्ट में क्या करते हैं, हालांकि इनका जो शासन टाइम पीरियड है मित्र ये 1250 तक रहता है। यहाँ पे देखिए ध्यान से सुनिएगा, 1279 तक इनका टाइम पीरियड रहता है। इन्हीं के द्वारा क्या किया जाता है मित्र, कि आगे चलकर इन्हीं के द्वारा 1200 में वैगी की चालुक्यों का पतन कर दिया जाता है।
वैगी के चालुकों का पतन कर दिया जाता है। कल्याणी के चालुक का पतन किसने किया? तो यादव वंश ने। वैगी के चालुक का पतन किसने किया? उन्हीं के वंश का शासक था, लेकिन चोल रूप से उनका भावनात्मक लगाव वहाँ पर हो गया था। वो चोल वंश के दूसरे पाल तो भले ही कहलाएं, लेकिन वहाँ पर भावनात्मक लगाव होने के कारण वह वैगी के चालुक से दुश्मनी ही हो गई थी और उनको विनाश कर दिया। तो इस तरीके से 600 वर्षों तक वैगी के चालुक अपना अस्तित्व बनाए हुए थे, लेकिन बहुत गौड़ रूप में था। चोलों ने उनका विनाश कर दिया। ठीक, इसके बाद क्या होता है मित्र? इसके बाद ये होता है कि चोलों ने इनका विनाश कर दिया। आगे चलकर चोल का विनाश किसने किया? चोलों को विनाश करने वाला एक अगला वंश आ जाता है, जिसको हम कहते हैं काकी वंश। कौन सा वंश? काकी वंश। जी हाँ, चोलों की शक्ति को छीड़ करने वाला अगला वंश यहाँ पर आ जाता है, काकी वंश। अब आप जरा सोचिए कि यादव वंश, होसल वंश, काकी वंश, इन तीनों को अपने साम्राज्य में विलय किसने किया था? जी हाँ, ये तो आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा, ये तो आपने बहुत पढ़ा होगा। किसने विलय किया था? मलिक काफूर ने किया था। किसने किया था? मलिक काफूर ने किया था। अब काकी वंश चोलों का किसने पतन किया? चोलों का पतन का मतलब ये था मित्र, चोलों में बहुत गौड़ और अयोग्य शासक आ गए थे, इसलिए काकी वंश के शासक हावी हो गए। तो इस तरीके से जोड़कर आप पढ़िए। यादव वंश ने कल्याणी के चालुक का अंश कर दिया था, कल्याणी के चालुक ने राजकूट का अंत कर दिया था, और राजकूट वंश के शासकों ने किसका अंत किया था? बादामी के चालुकों का वंश कर दिया था। और फिर क्या? बादामी के चालुक और राजकूट के शासक ने मिलकर किसका अंत कर दिया था? पल्लव वंश का अंत कर दिया था। पल्लव वंश को अंत करने में और किसकी भूमिका थी? चोलों की भूमिका थी। और चोलों का पतन किसने कर दिया था? तो चोलों का पतन करने वाला एट लास्ट में आता कौन है? एट लास्ट में आता है काकी वंश। और फिर काकी वंश, यादव वंश, होसल, इन तीनों को कौन मिला लेता है? अलाउद्दीन खिलजी। कौन मिला लेता है? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक, तो मित्र अब ये थोड़ा सा जो इतिहास का कॉन्सेप्ट है, इसको जब आप जोड़ के पढ़ोगे ना, तब बहुत मज़ा आएगा कि हमारे भारत का इतिहास कैसा था, कब कब से कौन कौन सी घटनाएं घटी थी और कैसे घटी थी। और मित्र, मैं आपको ये बता देता हूँ कि भारतीय इतिहास में अगर आप इस चीज़ को देख लेंगे तो आपको यही पता होगा, यही नज़र आता है कि राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता है। इतिहास के पढ़ने की दूर की बात छोड़ो, इतिहास तो मुझे थोड़ा से एक तरीके से आत्मविश्वास दिलाता है कि हाँ ये सच्चाई है, लेकिन हमारे आंखों पे क्या बनी रहती है? पट्टी बनी रहती है। कुछ लोगों को तो पट्टी बनी रहती है और कुछ लोग जानबूझकर गलतियां करते हैं। कुछ लोग तो बेवकूफ होते हैं और बेवकूफ बन जाते हैं, और कुछ लोग आध्यात्मिक रूप से इतना मैच्योर रहते हैं कि सब कुछ जानने के बावजूद भी खामोश रहते हैं और दुनिया उनको बेवकूफ समझती है, क्योंकि उनको बेवकूफ बनने में ही उनको अपने आप को प्रतिष्ठित समझते हैं। और कुछ लोग इतिहास पढ़कर अपने आप को इतना ज़्यादा चालाक होते हैं कि दुनिया को बेवकूफ बना के लूटते हैं। लेकिन हाँ, ऐसे स्थिति में आध्यात्मिक वाला जो व्यक्ति होता है वो बेवकूफ नहीं बनता है, वो तो बेवकूफ उससे बनता है जो उसके अपने होते हैं, उनको होशियार करने के लिए, न तो उनके लिए गुलाम बनाने के लिए, न उनको अधीन करने के लिए, जैसे महात्मा बुद्ध, कबीर दास, तमाम प्रकार के ऐसे संत और महापुरुष हैं। ठीक है, अब इस चीज़ को आपको, मुझे लगता है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, आपको समझ में आ गई होगी। कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करके पूछिएगा, सुझाव भी अगर हो सके तो अच्छा दीजिएगा। लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ कि आपको मेरी बातें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, और कोशिश करिएगा मित्र कि इस वीडियो के एक बार और सुनिएगा, और कोशिश ये भी आप करिएगा कि इसके पहले मैंने उत्तर भारत के भी वंशों के बारे में बताया था, वंशों के बारे में बताया था, उसको सुनिएगा। ठीक है,
एक शासक मैं आपको यहाँ पे देखिए बता देता हूँ, गोविंद तृतीय। गोविंद तृतीय के बारे में जरा सुन लीजिए, राजकूट वंश का शासक था। गोविंद तृतीय ने उत्तर भारत के पाल वंश के शासक धर्मपाल और प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट द्वितीय को ही केवल नहीं परास्त किया था। मित्र गोविंद तृतीय का टाइम पीरियड देख लीजिए, 793 से लेकर 814 तक था। और इस टाइम पीरियड में पल्लव वंश का तो एक तरीके से कोई, पल्लव वंश में कोई ऐसा शासक नहीं था कि गोविंद तृतीय को टक्कर दे सके। और चोल वंश की जहां तक बात करें तो चोल वंश अभी अस्तित्व में आया ही नहीं था। कल्याणी की चालू की बात कर ले तो कल्याणी चालू का तो उदय ही नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि अंतिम शासक तो ये ही था। तो इस समय गोविंद तृतीय के समय बताया जाता है मित्र कि गोविंद तृतीय एक तरीके से पूरे भारत पर अपना साम्राज्य विस्तार किया था। इसका टाइम पीरियड आप थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा, 1793 से लेकर 1814 में। क्यों इसलिए बता रहा हूँ? क्योंकि ये दक्षिण भारत वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक था। हालांकि त्रिपक्षीय और त्रिकोणात्मक युद्ध में आपने पढ़ा होगा गोविंद तृतीय, लेकिन वहां पे आपने ये पढ़ा होगा कि इसने धर्मपाल और नागभट्ट द्वितीय को परास्त किया था। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं, जिस समय गोविंद तृतीय ने नागभट्ट द्वितीय और धर्मपाल को परास्त करने के लिए निकला था मित्र, गोविंद तृतीय, जी हाँ, गोविंद तृतीय इस समय धर्मपाल के बाद, अगर आप कहोगे तो ध्रुव के बाद थोड़ा सा यहाँ पर 814 में, जी हाँ, तो गोविंद तृतीय के ही संदर्भ में बात हो रही है। तो ये गोविंद जो तृतीय था, इसने उत्तर भारत में हिमालय पर्वत से लेकर कन्याकुमारी तक बताया जाता है कि इसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। और गुजरात से लेकर ये पूरे बंगाल तक कब्जा किया हुआ था, गुजरात से लेकर बंगाल और हिमालय पर्वत से लेकर कन्याकुमारी तक। गोविंद तृतीय के समय आप कह सकते हो कि उत्तर भारत में कोई ऐसा शासक नहीं था जो इसको चुनौती दे सके, और ना दक्षिण भारत में इस समय कोई था कि जो इसको चुनौती दे सके। और इसी शासक को अर्जुन की उपमा और सिकंदर महान की उपमा भी दी गई है। दक्षिण भारत के कुछ कवि कहते हैं कि ये अपने आप में सिकंदर एवं अर्जुन था, ठीक है। और आप देख सकते हो कि इसके दरमियान उस समय कोई भी महत्वपूर्ण शासक भी नहीं थे जिसके बारे में चर्चा होती है। कभी कभी ऐसा आ जाता है कि अलग अलग वंशों में एक साथ कई महत्वपूर्ण शासक देखने को मिल जाते हैं, लेकिन चूंकि गोविंद तृतीय इस समय अपने साम्राज्य का ज़्यादा विस्तार किया था, तो हम ये कह सकते हैं कि अपने आप में सिकंदर था, निश्चित रूप से सिकंदर था। उसी समय देख लेते हैं कृष्ण तृतीय के संदर्भ में, यहाँ पर देख लेते हैं मित्र, तो कृष्ण तृतीय के संदर्भ में भी बताया जाता है कि कृष्ण तृतीय भी एक प्रतापी शासक था। इसने अपने समय पर कहा जाता है कि जयचंद्र शासक गोविंदचंद्र उत्तर भारत में गोविंदचंद्र को भी परास्त किया था, और पाल वंश के शासक महिपाल को भी परास्त किया था। और गोविंद तृतीय ने किसको परास्त किया था? गोविंद तृतीय ने नागभट्ट द्वितीय और धर्मपाल को परास्त किया था, देवपाल को परास्त किया था। और कृष्ण तृतीय किसको परास्त किया था? गढ़वाल वंश के शासक जयचंद्र और पाल वंश के शासक महिपाल को। इसके बाद कृष्ण तृतीय ने, यहाँ पर अभी मैंने जस्ट बताया था कि यहाँ पर प्रांतक को परास्त किया था। तो जिस तरीके से गोविंद तृतीय ने भी अपने साम्राज्य का विस्तार किया हुआ था, उस तरीके से कृष्ण तृतीय ने भी अपने साम्राज्य का विस्तार किया हुआ था। लेकिन हाँ, जितना ज़्यादा ये विस्तार किया था, जितने विनाशक तरीके से ये लोगों को ख़त्म किया था, उतना नहीं। कृष्ण तृतीय बस एक काम था, कृष्ण तृतीय किसी अन्य वंश को मोहरे के रूप में यूज कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया था, लेकिन गोविंद तृतीय अपने अकेले दम पर साम्राज्य का विस्तार किया था। ये थोड़ा से अंतर है यहाँ पर, ठीक है। और राजकोट के तो ये इम्पोर्टेंट शासक हैं, और चोल वंश के इम्पोर्टेंट शासक अगर आप देख लेंगे तो राजेंद्र प्रसंग और राजराज थी। तो दक्षिण भारत में तो सब कुछ न कुछ शासक तो आपको इम्पोर्टेंट देखने को मिल ही जाएंगे। जैसे राजकोट वंश में ध्रुव भी इम्पोर्टेंट था, और गोविंद तृतीय भी इम्पोर्टेंट है, कृष्ण तृतीय भी इम्पोर्टेंट है, कृष्ण प्रथम इम्पोर्टेंट है। पल्लव वंश में अगर आप देख लेंगे तो महेंद्र वर्मन भी इम्पोर्टेंट है, नरसिंह वर्मन भी इम्पोर्टेंट है, और नरसिंह वर्मन द्वितीय भी इम्पोर्टेंट है। वादामी के चालुक्य में देख लेंगे तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट शासक पुलकेशियन द्वितीय है, ठीक है।
तो ये इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट, चोल पल्लव और राजकूट ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बादामी के चालों की ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है मित्र। हाँ, लेकिन अब ये टाइम पीरियड में आप थोड़ा सा उत्तर भारत के जो मैंने इसके पहले वाला वीडियो आपको पढ़ाया हूँ उसको जरूर देख लीजिएगा, जरूर देख लीजिएगा, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए है। अगर आप मैप के रूप में इस चीज़ को थोड़ा सा समझना चाहते हैं तो मैं उसको भी बना दे रहा हूँ, आप उसको देख लीजिएगा, थोड़ा सा समय लगेगा, इंतज़ार करिए। देखिए मित्र, अब ये यहाँ पर थोड़ा से मैप के माध्यम से समझ लेते हैं। हाँ, जितना बताया हूँ इसको जरूर नोट कर लीजिएगा और एक बार हो सके तो ज़रूर रिवाइज कर लीजिएगा। मैप के माध्यम से लोकेशन के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, ठीक है, लोकेशन के बारे में आइए देख लेते हैं। मित्र, ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, अगर आप बिना पढ़े इसको आगे बढ़ रहे हो तो आप कभी भी इतिहास में अपना कॉन्सेप्ट नहीं बना पाओगे। अगर आपको रुचि जगाना है तो कॉन्सेप्ट बनाना जरूर है, ठीक है। जीवन में हमेशा सीखने का प्रयास करो, आइए देखते हैं मित्र, मैप के माध्यम से चीज़ों को थोड़ा सा समझ लेते हैं, हो सकता है आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर कर दे रहा हूँ मैं। देखिए मित्र, ये रफली मैप है भारत का, आपको दिख रहा होगा, ठीक है, थोड़ा हल्का है फिर भी आप समझने का प्रयास करिएगा। इस चीज़ को थोड़ा से मैं एक बार और गाढ़ा कर दे रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा से और स्पष्टीकरण हो जाए। ठीक मित्र, अब इस चीज़ को थोड़ा सा समझ लीजिए आप। देखिए, आपको मैंने बताया क्या, आप पूरे चीज़ को एक बार थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। मैंने मध्यकालीन इतिहास में, मध्यकालीन पूर्व मध्यकाल के इतिहास में उत्तर भारत के राजवंशों के बारे में मैंने ढेर सारी चीज़ों के बारे में बताया और फिर मैंने आपको दक्षिण भारत के कम से कम राजवंशों के बारे में यहाँ पर बताने का प्रयास कर रहा हूँ, इस चीज़ को थोड़ा सा समझिएगा। तो अब देखिए होता क्या है कि अगर हम इस तरीके से बिंध पर्वत को मान लेते हैं, देखिए जो बिंध पर्वत और यहाँ पर नर्मदा नदी को अगर हम ले लें, नर्मदा नदी और इस तरीके को हम गोदावरी नदी को भी यहाँ पर इस तरीके से ले लेते हैं और कृष्णा नदी को इस टाइप से थोड़ा से बना लेते हैं रफली,
तो मित्र होता क्या है कि थोड़ा से आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि बिंध पर्वत वास्तव में जो बिंध पर्वत है, ये बिंध पर्वत उत्तर भारत और दक्षिण भारत को अलग करती है। और वहीं दूसरी तरफ पे अगर हम देख लें तो ये नर्मदा नदी जो है ये भी उत्तर भारत और दक्षिण भारत को क्या करती है, अलग करती है। तो वंशों के संदर्भ में आप देखेंगे क्या कि ये जो गोदावरी नदी के इस साइड पे यहाँ गोदावरी समझ लेते हैं और इस साइड पे यहाँ पे काचे समझ लेते हैं, फिर यहाँ पे तंजोर मान लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से थोड़ा सा देख लेते हैं। तो आप कई वंश सुने होंगे, अब जरा उस चीज़ को थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से समझ लीजिएगा जो अभी मैंने आपको बताया, वहाँ पे देख लेते हैं। देखिए अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पर वैगी के चालुक्य थे, रफली है वैगी के चालुक्य, यहाँ पर अगर हम देख लेते हैं कांची तमिलनाडु के पास अगर हम देख लेते हैं मित्र, तो यहाँ पे पल्लो रहते हैं और तंजोर के पास यहाँ पर चोल रहते हैं। और यहाँ पर अभी आपने देखा कि लगभग तीन वंशों के बारे में मैंने आपको यहाँ पे बताया जो फेमस थे। पहले यहाँ पे बादामी के चालुक्य थे, बादामी के चालुक्य के, बादामी के बाद यहाँ पे राष्ट्रकूट आए मित्र, राष्ट्रकूट आए, और राष्ट्रकूट के बाद यहाँ पे कौन आए, कल्याणी के चालुक्य आए। सब एक दूसरे के सामंत थे, ये कल्याणी के चालुक्य थे, ठीक, ये कल्याणी के चालुक्य थे। और यहाँ पे वैगी के चालुक्य थे, तो वैगी के चालुक्य में आप देखेंगे जो ये बादामी के चालुक्य थे ये इसी का भाई यहाँ पे विष्णुवर्धन जो था उसी के नाम आपने सुना होगा, विष्णुवर्धन इसने न्यू डाली थी। और ये किसका भाई था, ये भाई था पुलकेशियन धृति का। लेक्चर में अभी मैंने बताया कि पुलकेशियन धृति का था, और इस जिस समय पुलकेशियन धृति यहाँ पे था मित्र, तो उस समय पल्लव वंश का एक महान शासक इस समय हुआ नरसिंह वर्मन प्रथम। हो सके आपको दिखाई ना दे रहा हो लेकिन सुन लीजिए, नरसिंह वर्मन प्रथम, थोड़ा से नीचे पड़ जा रहा है ना, दिख नहीं रहा होगा मित्र, ध्यान से सुनिएगा, सुदूर दक्षिण में या फिर कभी इस पर डिटेल से लेक्चर दे दिया जाएगा। नरसिंह वर्मन यहाँ पे क्या था, नरसिंह वर्मन प्रथम था, इसी के समय था। तो ये शासक तमाम प्रकार के वंशों के बारे में मैंने यहाँ पे बताया, ये कल्याणी के चालुक्य, ये राष्ट्रकूट और ये बादामी के चालुक्य थे। और अभी मैंने इसके पूरे डिटेल में लोकेशन के बारे में बताया, लेकिन ध्यान में रखिएगा यहाँ पर आपने एक नाम सुना होगा मित्र कन्नौज का, यहाँ पर उज्जैन का नाम सुना होगा, और यहाँ पर सोलंकी का नाम सुना होगा, इसी के पास धार था, और यहाँ पे बंगाल था, और ये मालवा का क्षेत्र यहाँ पे, ये पूरा मालवा का यहाँ पे क्षेत्र वगैरह था। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कन्नौज में अगर आप बात करेंगे तो यहाँ का अगर टाइम पीरियड लेकर चलेंगे आप, तो आप उत्तर भारत में जाकर जो इसके पहले मैंने वीडियो पढ़ाया था वहाँ पर देखिए, संक्षेप में बता रहा हूँ, कभी फिर रिवाइज पूरा इतिहास होगा उस पर। अब आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर वर्धन आए, वर्धन का अंधकार युग हुआ, तो काफ़ी पतन के बाद यहाँ पे आयुध वंश चला था, वर्धन के पतन के बाद यहाँ पे एक आयुध वंश चल रहा था जिसमें चक्रायुध और इंदिरा युद्ध थे। एट लास्ट में यहाँ पर अधिपत्य किसने जमाया, पालों ने जमाया, फिर पालों को पतन करके यहाँ पर अंतिम में कौन आया, प्रतिहार आया, ठीक, प्रतिहार वंश आया। तो वर्धन के साथ साथ कन्नौज की राजधानी किसने बनाई, प्रतिहारों ने बनाई। फिर देखेंगे आप आगे चलकर कन्नौज की अगर बात करेंगे मित्र, तो आगे चलकर ये 200 वर्षों के इतिहास में तो ये राष्ट्रकूट से तो लड़े ही, 200 वर्षों तक इनका चल रहा था प्रतिहारों का, उसके पहले वर्धन था, उसी के वर्धन के समकालीन यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो ये बादामी के चालुक्य थे, ठीक है। राष्ट्रकूट के समय प्रतिहार वंश आ गए थे, और जिस समय कल्याणी के चालुक्य थे तो उस समय कहीं ना कहीं वंश जो उदय यहाँ पे हुआ मित्र, वो गढ़वाल वंश का उदय हुआ, गढ़वाल वंश का उदय हुआ कन्नौज में। और इन्हीं को परास्त करके लास्ट में 1200 में कौन आ जाता है, मोहम्मद गौरी आ जाता है। कौन आ जाता है मित्र, मोहम्मद गौरी आ जाता है, दिल्ली पे अधिपत्य कर लेता है। और यहाँ पर दिल्ली के पास देखेंगे तो यहाँ पर अजमेर का शासक चौहान वंश आ जाता है,
हालांकि यहाँ पर भी चौहान वंश रहते हैं, ठीक है। इधर देखेंगे तो यहाँ पर सोलंकी के चालुक रहते हैं। सोलंकी के चालुक प्रतिहारों के पतन होने के बाद सोलंकी वंश उभर के सामने आते हैं। जब प्रतिहार वंश का पतन होता है तो कई छोटे छोटे वंश उदय हो जाते हैं, जैसे चौहान वंश का उदय, सोलंकी वंश का उदय। फिर यहाँ पर देखेंगे मित्र, यहाँ पर प्रतिहारों का जब पतन होता है तो उज्जैन में दो तीन वंश उभर के सामने आते हैं। एक परमार वंश उभर के सामने आ जाता है उज्जैन में, और एक कौन आता है, चंदेल वंश आ जाता है। हाँ, लेकिन अब इस परमार वंश के समय, चंदेल वंश के समय, सोलंकी वंश के समय, गढ़वाल वंश के समय यहाँ जो रहते हैं वो कौन रहते हैं, कल्याणी के चालुक्य धीरे धीरे उभर के आ जाते हैं। और इस समय चोल वंश अपनी शक्ति का क्या कर लेते हैं, उदय कर लेते हैं, और पल्लवों का यहाँ पे क्या होता है, पतन होता है। तो मित्र, इस तरीके से थोड़ा से मैपिंग करके चीज़ों को आप पढ़ने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, तो आपका पूरा भारत का इतिहास का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो मैंने बहुत शॉर्ट समयों में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने का पूरा प्रयास किया ताकि आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। किस में किस शासक में कैसा संबंध था, किस दौर से होकर गुजरे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। हाँ, जो मैं आपको वीडियो पढ़ा रहा हूँ, फिर मैं कहूँगा ये वीडियो अपने आप में एक टेलर के रूप में, किस रूप में, टेलर के रूप में। असली पिक्चर तो अभी बाकी है, वो कभी बाद में देखेंगे आप, ठीक है। लेकिन देखेंगे तो उस समय आप इतिहास के अपने आप में एक माहिर विद्यार्थी हो जाएंगे, निश्चित रूप से माहिर विद्यार्थी हो जाएंगे। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप उसके तथ्यों की जानकार हो जाएंगे, मैं ये कहूँगा कि आप इतिहास की जानकार हो जाएंगे, ठीक है। इतना मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ और ये होगा, ठीक है मित्र। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो का अब समापन कर रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम एक नए वीडियो के साथ फिर हम उपस्थित होंगे। इसी के साथ जय भारत, जय हिंद।